महिला दिवस एक ऐसा अवसर होता है जब महिलाओं को अपनी उपलब्धियां, अपनी उपस्थिति दिखाने का मौका मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी, 1991 बैच की आईपीएस हैं, वर्तमान में ईडीजी हैं। मैम, आईपीएस सेवा में आप तब आई जब बहुत मुश्किल हुआ करता था और उस वक्त आपने आईपीएस ज्वाइन की। जनरली आईएएस या अन्य सेवाएं प्रिफर की जाती हैं, तो वुमेन्स डे पर महिलाओं के लिए आईपीएस में क्या संभावना है और आपका क्या अनुभव रहा है? सबसे पहले तो हमारे जितने भी श्रोता देख रहे हैं, सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और मैं सिर्फ बच्चियों या महिलाओं के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं समाज के सभी महानुभावों को ये बधाई दे रही हूँ। महिला दिवस मेरे लिए नारीत्व का जश्न है और ये जश्न तभी संभव है जब जो महिला या बच्ची है उसको परिवार का संबल मिले और परिवार में जश्न मने। जहाँ तक आईपीएस का और महिला का सवाल है, तो सिर्फ आईपीएस ही नहीं, मैं मुझे 31 इयर्स हो गए एक्टिव नौकरी के, और मैं बता सकती हूँ कि एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब मुझे ऐसा लगा हो कि मैंने गलती की हो इस नौकरी में आकर। क्योंकि ये वो ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल कटिंग एज पे जब जो बच्चियाँ या महिलाएं या जो हमारे पीड़िताएं हैं, जो बिल्कुल जब दुखी हो जाती हैं या परिवार दुखी हो जाते हैं, तो हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर जब हम कुछ कर पाते हैं तो बहुत 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 मेजर सेटिस्फैक्शन मिलता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई बच्ची अकेले जा रही हो और उसे ऐसा लगे कि उसका कोई पीछा कर रहा है और सामने दो पुरुष पुलिस वाले खड़े हों और कहीं थोड़ी और दूर एक महिला पुलिस वाली खड़ी हो, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो बच्ची कहाँ जाएगी। तो इस तरीके की आवश्यकताएं हैं हमारी। और हमारे प्रदेश में तो आरक्षण भी है, 30% आरक्षण है महिलाओं बच्चियों के लिए। तो आगे बढ़ें, आएं और ज्वाइन करें। मध्य प्रदेश पुलिस देश के बेहतरीन पुलिस व्यवस्थाओं में से एक है। एक और सवाल आता है, ये तो एक पक्ष हुआ कि जो नौकरी में है, लेकिन एक वो पक्ष है जो पीड़ित है, जिसको पुलिस से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन हम देखते हैं कि महिलाएं आमतौर पर पुलिस के पास जाने से बचती हैं, अत्याचार उत्पीड़न सहती रहती हैं। और ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो तरीका है कि महिला को यदि लगता है कि उसके साथ कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो किस प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाए ताकि उसकी आइडेंटिटी भी छिपी रहे? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो उसके साथ आइडेंटिटी का रहता है, कहीं ये डिस्क्लोज ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए। नहीं, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है, बिल्कुल सही बात है। जो जिस तरीके का, बड़ी दुर्भाग्य की बात भी है कि हम ऐसा समाज बना ही नहीं पाए जहाँ महिलाएं या हमारी बच्चियाँ महफूज हों, चाहे वो घर की चारदीवारी ही क्यों ना हो। तो ये बिल्कुल सच है कि महिलाएं जितना भी अत्याचार हो जाए, जब तक कि बिल्कुल सब्र का बांध टूट नहीं जाता या फिर वो फिजिकली या मानसिक रूप से टूट नहीं जाती, तब तक वो पुलिस की ओर रुख नहीं करती। हम लोगों ने ये तय किया है कि यदि महिलाएं या पीड़िताएं हमारे पास नहीं आ सकती, हम तो जा सकते हैं उनके पास। तो चाहे वो डायल 100 हो जो हमारा, या 1090 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर डायल करने से ही जो पुलिस तंत्र है पहुंच जाता है महिलाओं पीड़िताओं के पास, या फिर हमारा जो महिला डेस्क है, हमारे पास अभी 950 ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क हैं, जो थाने पर होते हुए भी थाने से थोड़ा उसी प्रांगण में अलग हैं और उनको एक अलग स्वरूप दिया गया है, जहां पीड़िताएं खुलकर अपनी बात, वहां सिर्फ महिला अधिकारी कर्मचारी होते हैं और अपनी खुलकर अपनी बात कह सकें। जहां तक नाम नहीं बताने का सवाल उठता है, तो जो यदि कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसमें कि हमें प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ रही हो, तो नाम तो लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं जिसमें कि आप मीडिया से हैं तो आपको पता होगा कि हम नाम नहीं बताते। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यदि महिलाएं या बच्चियां हमारे पास नहीं आ सकती, तो हम आपके पास आ सकते हैं, हमें संपर्क करें। हमारे नंबर्स 1090 महिला हेल्पलाइन, 100 डायल 100, ये नंबर्स आपके लिए उपलब्ध हैं, कृपया डायल करें और हमें बुलाएं, हम आपके पास आएंगे। थैंक यू मैडम। एसआरके यूनिवर्सिटी के वुमेन्स डे कार्यक्रम में एडीजी मैडम ने जो जानकारी दी वो काफी अहम है, और सभी महिलाएं किसी भी स्तर पर यदि उत्पीड़न का, प्रताड़ना का शिकार हैं, वो बेखौफ होकर पुलिस की सहायता ले सकती हैं, और इसके लिए अनेक सरकार ने प्रबंध कर रखे हैं, जिनकी जानकारी मैम ने दी। थैंक यू मैम। स्वराज एक्सप्रेस से बात करें।